किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं दशरथ धाकड़। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम आए हैं धाकड़ पंप्स बेगू की दुकान पर। यहां पर श्री न्यू विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा मूंगफली का एक नया थ्रेसर विकसित किया गया है। जैसा कि आपने मूंगफली के कई सारे थ्रेसर देखे होंगे, लेकिन उनमें जो टोकरी का सिस्टम दिया हुआ होता है वो एक साइड पर रहता है, लेकिन जो मेरे पीछे आप ये थ्रेसर देख पा रहे हैं, इसमें जो टोकरी है वो पीछे की साइड पर दी गई है। साथ ही इसमें कुछ अलग अलग सिस्टम दिए गए हैं। इस वीडियो में आगे आपको इस थ्रेसर की मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही इस थ्रेसर के जो डीलर हैं उनसे भी हम इस थ्रेसर की पूरी जानकारी लेंगे। इस थ्रेसर के क्या क्या फीचर है, किसान भाई किस प्रकार से इसे खरीद सकते हैं और किसानों को इस थ्रेसर को ख़रीदने में क्या क्या फ़ायदा मिलता है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, हमारे साथ है अर्जुन जी धाकड़, इस मशीन के डीलर। इनसे इस आगे हम बात करेंगे कि इस थ्रेसर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स अगर किसान भाई इसे खरीदते हैं तो इसमें मिलते हैं। तो अर्जुन जी, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्जुन धाकड़ और मेरी फर्म का नाम है धाकड़ पंप्स, चेची रोड बेगू, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। तो अर्जुन जी, जो मूंगफली के थ्रेसर आते हैं उनमें जो टोकरी का सिस्टम रहता है वो एक साइड पर रहता है। इस वाले थ्रेसर में हम देख रहे हैं कि जो इसमें टोकरी है वो पीछे दी गई है, साथ ही इसमें कुछ अलग अलग सिस्टम भी दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले इसके अपने कुछ फीचर्स के बारे में बताइए। खास फीचर तो मैं आपको पहले बता दूँ कि किसान भाइयों, जो आपने पहले थ्रेसर देखे होंगे वो साइड टोकरी वाले थ्रेसर देखे होंगे। इसमें इस थ्रेसर में पीछे टोकरी दिया हुआ है। पीछे टोकरी देने का कारण ये है कि जो पहले थ्रेसर आते थे साइड टोकरी वाले, वो खेत में ले जाते वक्त उलट जाने का डर रहता था और काफ़ी किसान भाइयों के उलट भी गए। और साथ ही किसान भाई के खेत में जाने के बाद टोकरी को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता था। तो यह समस्या इसमें नहीं आती है जी सर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके पीछे जो टोकरी दी हुई है इसकी साइज वगैरह के बारे में। सर, ये टोकरी है, टोकरी की साइज है 3 फीट की और ड्रम साइज दिया हुआ है इसका 35 इंच का। तो ये जो सिस्टम है इसी टोकरी को बंद चालू करने का या? ये सिस्टम रोटर रोकने के लिए है, टोकरी में जो रोटर लगा हुआ है उसको रोकने के लिए है। और ये सिस्टम दिया हुआ है, पंखा है, जब किसान भाई माल डालता है, मूंगफली सोयाबीन जो भी डालता है, तो उससे मिट्टी उड़ती है जो उसके किसान भाई के मुँह पे आती है, तो इस पंखे के द्वारा उसके मुँह पे मिट्टी नहीं आएगी, वो दूर फेंक देगा। तो जैसा कि किसान भाइयों, जैसे कि आप इसमें मूंगफली डालते हैं तो इस पंखे से जो हवा आती है वो मिट्टी वगैरह उस साइड पर चली जाएगी और हमारे ऊपर नहीं आएगी। तो यह फीचर्स इसमें काफ़ी अच्छा लगा है। सर, हमें यह बताइए कि जो इसके पीछे टोकरी दी गई है इसकी स्पीड को हम कम ज़्यादा कहाँ से कर सकते हैं? सर, इसकी टोकरी की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे पुली लगी हुई है, इस पर आप फैन बेल्ट इधर उधर करके इसकी कम ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं टोकरी की। अच्छा, यहीं से कम ज़्यादा हो जाती है जी सर। और टोकरी का इसमें लोलर लगा, इसको रोकने के लिए यह सिस्टम दिया हुआ है। इसी के साथ इस टोकरी में जो छेद दिए हुए हैं ये मैंने पहली बार देखी, तो इनकी क्या विशेषताएं हैं और ये क्या काम आते हैं? सर, इसमें ये छेद दिए हुए हैं, इससे आप माल डालते हैं मूंगफली की, सोयाबीन, चना, मूंगफली जो भी माल डालते हैं उसके साथ मिट्टी होती है वो यहीं पर निकल जाती है, बारीक धूल। अच्छा, मिट्टी नीचे निकल जाती है, हमारी फसल के माल जो हमारा माल होता है उसके साथ नहीं जाती है जी सर। तो सर, हमें इस थ्रेसर मशीन के कुछ अन्य फीचर्स के बारे में बताइए थोड़ा। ये कंपनी द्वारा एलिवेटर दिया हुआ है, इसकी सहायता से आप ट्रॉली में चना, सोयाबीन, मूंगफली जो भी इत्यादि माल है उसको डाल सकते हैं, और यदि डालना नहीं चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फैन बेल्ट को उतार के आप बस की सहायता से बंद कर सकते हैं। अच्छा, बंद चालू भी यहाँ से किसान भाई कर सकते हैं जी सर। और एक ये फंक्शन दिया हुआ है अपने साफ्ट रखने के लिए, काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया हुआ है कंपनी द्वारा। तो सर, हमें ये बताइए कि इस थ्रेसर मशीन में ये और ये क्या सिस्टम दिया हुआ है? सर, ये सिस्टम है, ये पंखा दिख रहा है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ मूंगफली साफ करने के लिए और मूंगफली को दूर फेंकने के लिए दिया हुआ है, और ये सिस्टम मूंगफली को साफ करता है, मूंगफली के माल को, और नीचे ये पंखा आ रहा है एक और जो मूंगफली को दूर फेंकने के लिए काम करता है। अच्छा, यहाँ से दूर चली जाती है जी सर। और ये सिस्टम दिया हुआ है, फोल्डिंग सिस्टम दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा कंपनी द्वारा। यदि आप माल को एलिवेटर में भेजना चाहते हैं तो इसको ऐसे बंद करके आप एलिवेटर में भेज सकते हैं, और यदि एलिवेटर में आप नहीं भेजना चाहते हैं तो इसको उस साइड में रख के बंद करके आप माल डायरेक्ट नीचे डाल सकते हैं बाहर। सर, ये फ्रेम दी गई है तो ये क्या काम करती है? सर, ये हवा का प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए दिए हुए हैं, 4 जगह सिस्टम दिया हुआ है इसका। एक तो यहाँ पर हो गया सिस्टम,
एक यहाँ पे हो गया और दो ये पर्दे दिए हुए हैं, इससे कम ज्यादा करके आप हवा को कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, पंखे की हवा को कम ज्यादा कर सकते हैं। और साथ ही ये सिस्टम बहुत ही अच्छा कंपनी द्वारा दिया गया है, किसान भाई को कोई समस्या नहीं रहेगी झाल चानना चयन करने के लिए। यहाँ से दो बोल ढीले किए और चन्ना आसानी से निकाल सकता है किसान भाई। और साथ में ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा किसान भाइयों, ये मिट्टी निकालने के लिए पिक्चर्स लगाया हुआ है। मिट्टी निकालने के लिए चार जगह पिक्चर्स दिए हुए हैं, पहला तो ये हो गया और बाकी के तीन मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। सर, ये टायर बहुत ही हेवी क्वालिटी के दिख रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत किसान भाइयों को बताइए। जी सर, कंपनी द्वारा बहुत ही हेवी क्वालिटी के टायर लगाए हुए हैं, रिंग कड़े के साथ में बहुत ही मजबूत टायर लगाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह कंपनी से डायरेक्ट 800 किलोमीटर टोचन होके मशीन थ्रेसर आया हुआ है, और इसमें कोई भी टूट फूट की कोई भी समस्या नहीं आई है, और कहीं पर भी बोल्ट ढीला हुआ नज़र टूट फूट का कोई भी हमें लगा नहीं है। तो सर, हमें थोड़ा गियर बॉक्स के बारे में बताइए, यहाँ पर कुछ अलग सिस्टम दिया गया है, ऐसा सिस्टम मैंने पहले कभी नहीं देखा है। सर, ये गियर बॉक्स कंपनी द्वारा बहुत ही हेवी क्वालिटी का गियर बॉक्स दिया हुआ है। गियर बॉक्स देने का कारण है कि थ्रेसर एकदम फ्री चलेगा, दबेगा नहीं गीले माल में, गीला निकालो माल या सूखा निकालो। और साथ में इसके नीचे ये छेद दिए हुए हैं, इससे बारीक माल जाते वक्त बारीक मिट्टी यहीं पे नीचे गिर जाएगी। अच्छा, मिट्टी नीचे गिर जाएगी। जी सर। तो इस थ्रेसर को हम कौन कौन से ट्रैक्टर पर चला सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि गियर बॉक्स अच्छा दिया हुआ है जिससे मशीन दबती नहीं है, तो कितने HP का ट्रैक्टर इस मशीन के लिए अच्छा रहता है? सर, कंपनी द्वारा तो कहा जाता है कि 35 हॉर्स पावर या उससे अबव चाहिए, लेकिन यह थ्रेसर 30 HP हॉर्स पावर पर भी चल सकता है। अच्छा, 30 HP पर भी यह चल सकता है। जी सर। साथ में ये कंपनी द्वारा डबल व्हील दिया हुआ है, इससे भी ट्रैक्टर भी एकदम फ्री चलता है और माल एकदम क्लियर निकालता है। एक व्हील इधर है, एक व्हील उधर उस साइड में है। तो सर, हमें इस भूसा निकालने की जगह के बारे में बताइए, जो अन्य थ्रेसर आते हैं उनमें यह सिस्टम पीछे रहता है, साथ ही जो भूसा है वो काफ़ी पास में गिर जाता है, इसमें यह सिस्टम थोड़ा साइड में दिया हुआ है, तो यह कैसे काम करता है और क्या इसमें भी भूसा पास में ही पड़ता है या दूर जाता है? नहीं सर, इसमें भूसा बहुत ही दूर जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा पंखा लगाया हुआ है जिससे हवा का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है और भूसा बहुत ही दूर चला जाता है। तो किसान को यह समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। और साथ ही आपने देखा होगा कि दूसरे थ्रेसरों में कि भूसा निकलने की जगह पीछे की साइड होती है और इसमें साइड में दी हुई है, जिससे किसान भाई को मुँह पे आने के और माल में साथ में मिलने की शिकायत नहीं रहेगी। हाँ, जैसा कि वो पीछे रहता था तो मूंगफली वगैरह में भी भूसा चला जाता था। जी सर। तो इसमें साइड में सिस्टम दिया हुआ है, तो यह समस्या किसानों के साथ नहीं आएगी? नहीं आएगी। ये बताइए कि ये यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है, ये किस काम आता है? सर, यह सिस्टम दिया हुआ है मिट्टी निकालने के लिए, मिट्टी का ये निकालने का चौथा सिस्टम है, और तीन मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं, ये चौथा सिस्टम है। यानी कुल मिला के कंपनी द्वारा चार जगह सिस्टम दिया हुआ है मिट्टी निकालने का, तो इससे माल में काफ़ी सुधार है होता है, यानी माल बिल्कुल एकदम क्लियर आता है और बिना डंटल वंटल के एकदम क्लियर आता है। यानी कि किसान भाइयों, इस मशीन में चार जगह पर मिट्टी को निकालने का सिस्टम दिया हुआ है, जिससे हम जो भी फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं फसल एकदम स्वस्थ आती है, यानी कि उसमें कोई भी कचरा वगैरह नहीं आता है। तो सर, हमें ये बताइए कि इस थ्रेसर मशीन में हम कौन कौन सी फसलों को निकाल सकते हैं? सर, इसमें मूंगफली, सोयाबीन, चना, मूंग, उड़द, ये सभी फसल इसमें निकाल सकते हैं और बिल्कुल क्लियर माल निकलेगा, थैली पैक माल निकलेगा। अच्छा, तो दो से चार फसलों की हार्वेस्टिंग इस मशीन से हो जाती है? जी सर, बिल्कुल। सर, आप बोल रहे हैं कि यह मशीन एकदम नई है, तो इसका आपने डेमो वगैरह चेक किया है या डायरेक्ट आप इसे मार्केट में ले आए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं सर, इसका कंपनी द्वारा पिछले पूरे साल डेमो किया है, अलग अलग क्रॉप में, अलग अलग फसल में, और इसका रिजल्ट 100% रहा है। और साथ ही आपको बता दूं कि डेमो करने के बाद हमको जो कमियां लगी उसका सुधार किया गया है, और जैसे कि पीछे टोकरी के साइड में जो पंखा लगा हुआ है धूल फेंकने के लिए, वो नहीं लगा हुआ था, तो उसको अभी ऐड करवाया है, और दो तीन जगह जो कमियां लगी हमें उसको सुधार करवाया है। तो जैसा कि किसान भाइयों, इस मशीन का पहले डेमो किया गया था और इसमें जो कमियां थी उन कमियों को अब दूर किया गया है और उसी के बाद इसे मार्केट में उतारा गया है। सर, ये तो आपने बताई इस मशीन के सारे फीचर्स, अब इसके खरीदने के बारे में बताइए, अगर किसान भाई इसे खरीदे तो कैसे खरीद सकते हैं? जैसा कि आप अगर राजस्थान में इसे बेच रहे हैं, तो किसान भाई अगर MP का हो तो किस किस प्रकार से इसे खरीद सकता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। सर, खरीदने का प्रोसेस ये है कि नीचे दिए गए नंबर आ रहे हैं, उन पर कॉल करके आप इसकी जानकारी पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही इसको बुक कराने के लिए आप गूगल पे, फ़ोनपे की सुविधा से भी आप बुक करवा सकते हैं, और साथ ही आप यहाँ राजस्थान से, इसके अलावा अलग स्टेट से हैं आप, तो
आप बुक करवा के आपको यानी ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है जिससे आपको होम डिलीवरी हो सकती है, यानी कि आप यहाँ से अन्य राज्य में भी इसे भेज सकते हैं। जी सर, ऑल इंडिया। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने एक नए मॉडल के मूंगफली थ्रेसर के बारे में बात करी। यह थ्रेसर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट अवश्य करें। साथ ही अगर आप इस थ्रेसर को ख़रीदना चाहते हैं या और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो में जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए हुए हैं उन पर आप संपर्क जरूर करें ताकि आपको इसकी थ्रेसर की और भी जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।